ब्लॉगिंग की दुनिया में दो प्लगइन्स बहुत ज़्यादा फेमस है, पहला योस्ट और दूसरा रैंक मैथ। ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, लेकिन नए ब्लॉगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि योस्ट इस्तेमाल करें या रैंक मैथ इस्तेमाल करें। साथ साथ मेरे ब्लॉग का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, आखिर मैं कौन सा प्लगइन्स इस्तेमाल करता हूँ? अगर ये जानना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि मैं पहले कौन सा इस्तेमाल करता था, अब मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय। बराबर कहता हूँ ना, हर एक ब्लॉगर का मेन पर्पस होता है कि वो अपने ब्लॉग का जो है रैंकिंग, SEO रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई करके रखे, उसका जो ब्लॉग पोस्ट है गूगल में फर्स्ट पेज पर रैंक करे, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आए, और इसका सीधा कनेक्शन अर्निंग से होता है। ये बराबर मैं बताता हूँ, लेकिन ये भी बताता हूँ कि आपको अपने ब्लॉग का रैंकिंग इंक्रीज करना है तो आपको SEO ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने ब्लॉग को। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में जान रहे हैं कि कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, प्लगइन्स एक पे एक अवेलेबल होते हैं, और प्लगइन्स का काम होता है कि आपके काम को बहुत आसान कर देता है। तो ये जो SEO के लिए SEO प्लगइन्स जितने भी हैं इंटरनेट पे, जो वर्डप्रेस के जितने भी प्लगइन्स हैं या जो भी काम है उसका काम एक ही रहता है, या जो भी टूल्स है उसका काम एक ही रहता है कि वो आपको एक इंडिकेटर देता है। इंडिकेटर का मतलब है कि आपके बदले जो है वो कुछ पैरामीटर को चेक करके देता है, कहीं आपके ब्लॉग में कुछ पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। और अगर वो पूरा करते हैं तो एक तरह से गूगल या दूसरे जितने भी सर्च इंजन हैं उसका जो फैक्टर है SEO फैक्टर, उसको मीट कर रहे हैं, मतलब उसके पैरामीटर, उसके रिक्वायरमेंट को जो है मिला रहे हैं। इसके लिए होता है, क्योंकि जनरली लिखते वक्त जो है जो ऑथर होते हैं उनको पता नहीं रहता क्या छूट रहा है क्या आ रहा है, तो ये प्लगइन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये होता है इसी ये प्लगइन्स में कि ये प्लगइन्स क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे काम जिसको करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती थी लेकिन वो डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि साइट मैप क्रिएट करवाना होता है, इसके बाद जो है इंटरनल लिंकिंग जो होता है, सर्च करके कौन सा कीवर्ड पे कौन सा लिंकिंग करना है, कीवर्ड सजेशन दे देता है, लिंक दे देता है, मतलब ओवरऑल बहुत सारे जो है फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देता है ये सारे प्लगइन्स। अब सवाल ये आता है कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि दो प्लगइन्स सबसे ज़्यादा फेमस है, पहला योस्ट SEO बाई योस्ट जो है, या योस्ट SEO प्लगइन्स जिसको कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका दो वर्जन आता है, एक फ्री में आता है, आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा प्रीमियम आता है, प्रीमियम में क्या होता है, नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड जो होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब ये कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट को दो या तीन कीवर्ड पे जो है टारगेट करके रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं। फ्री वाले में क्या होता है, आपको सिंगल फोकस कीवर्ड मिलेगा, उसी पे आपको रैंक करवाना पड़ेगा। इसके बाद जो है इंटरनल लिंकिंग हो गया, बहुत सारे फंक्शनलिटी है प्रीमियम में, आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, राइट। दूसरा आता है रैंक मैथ, रैंक मैथ अभी तक कम्प्लीटली फ्री है, एक भी चार्ज नहीं लेता है। अब कहिए क्या ये फ्री है और योस्ट प्रीमियम जो देता है सर्विस, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है और कौन सा बढ़िया हो सकता है, राइट। देखिए बिलीव मानिए, योस्ट जो है बहुत ही बढ़िया प्लगइन्स है। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो है योस्ट का प्लगइन्स बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर प्रीमियम लेते हैं तो आपके ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा SEO के मामले में। लेकिन यहीं पर इसी प्लगइन्स का कंपटीटर तैयार हुआ और जिसका नाम रैंक मैथ आया, और रैंक मैथ जो है जो चीज़ योस्ट में प्रीमियम में फैसिलिटी है वो सारे के सारे फ्री वाले में है। अब कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ सच में बहुत अच्छी बात है। मैं पहले योस्ट इस्तेमाल करता था, आपको मैं बराबर बताता हूँ ना कि आपको प्रीमियम वाले जो चीज़ जो है कहीं दूसरे जगह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पैमिंग हो सकता है, आपके ब्लॉग के लिए खतरा हो सकता है। और लोग करते क्या है कि प्रीमियम SEO योस्ट वाला जो प्लगइन्स होता है, योस्ट का प्लगइन्स, वो कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर देते हैं अदर सोर्स से, ऑफिशियल सोर्स से नहीं, ना ही वर्डप्रेस से और ना ही ऑफिशियल योस्ट के वेबसाइट से परचेज करते हैं और कहीं से ले लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं क्या किया कि दूसरे ब्लॉग पे ट्राई किया ये रैंक मैथ का, और रैंक मैथ जब ट्राई किया तो मुझे लगा कि नहीं, रैंक मैथ को थोड़ा सा सीखना चाहिए। और इसके बाद आज के डेट में रैंक मैथ डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो जो है बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि अगर आपको फ्री टूल्स मिला, भले फ्यूचर में जाकर रैंक मैथ भी प्रीमियम सर्विस कर दे वो अलग मैटर है,
लेकिन फिलहाल के डेट में अभी के तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे रैंक मैथ बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। यहीं पे एक ब्लॉग है जहाँ पे मैं योस्ट का प्रीमियम सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी खराब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब मैटर यह फंसता है कि आखिर फिर प्रीमियम सर्विस लोग क्यों लेगा, लोग रैंक मैथ पे क्यों नहीं आए। देखिए, जो भी प्रीमियम वाले प्लगइन्स होते हैं ना, उसका जो है टेक्निकल सपोर्ट बढ़िया रहता है, कोई भी अपडेट आता है तो वो तुरंत अपडेट करता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके टेक्निकल सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। लेकिन कोई भी सिंपल बिजनेस लॉजिक है कि कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कितना दिन तक देगा। तो अगर आप जो है थोड़ा सा एडवांस SEO स्किल सीखे हुए हैं तो आप फ्री वाले पे जा सकते हैं। फ्री वाले का मतलब ये होता है कि रैंक मैथ पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस रैंक मैथ का बढ़िया है, मैंने देख लिया टेस्ट करके, जो ऑनेस्टली मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ। लेकिन यहीं पे आपको लगता है कि नहीं, आपका जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या SEO के फील्ड में आपको स्किल ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप योस्ट को चुनें, योस्ट का फ्री वर्जन इस्तेमाल करें, और जब आपको ब्लॉग से अर्निंग आना शुरू हो जाए तो योस्ट का जो है अपग्रेड कर दीजिएगा। प्रीमियम सर्विसेज में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि प्लगइन्स कुछ नहीं करता है, प्लगइन्स जो है आपके बदले जो है आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, इसलिए वो पैरामीटर को सामने में दिखाता है और आपको थोड़ा हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ब्लॉग है और आप प्लगइन्स इस्तेमाल कर लिए तो इसका मतलब आपका नंबर वन पे रैंक करना एकदम 100% श्योर हो जाएगा, नहीं। वो सिर्फ इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, आपको फिर भी SEO फैक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो मान लीजिए योस्ट प्लगइन्स है, मान लीजिए योस्ट ही है प्रीमियम जो सर्विस है, उसी का जो प्रीमियम लिए हुए है, क्या 10 ही लोग प्रीमियम लिए होंगे? नहीं लिए होंगे। और सभी लोग अगर प्रीमियम ले लेंगे तो फिर गूगल के फर्स्ट पेज पे 10 ही रिजल्ट दिखाना है, दिखाएगा किसको? लॉजिक है। इसीलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये जितने भी टूल्स होते हैं ये आपको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए होते हैं, आप अपने SEO स्किल को बढ़ाइए। और इसी के लिए मैं जो है बराबर कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तरफ से जो सवाल आता है उसका, प्लस में मेरे पास जो अपना एक्सपीरियंस है उसका, ये सारे पॉइंट को मिला करके आपके लिए अलग वीडियो बना दिया करूँगा। और आप रेगुलरली मेरे SEO से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं, पहले से भी बहुत दिन से सीरीज चल रही है, उसको भी मिस मत कीजिएगा। और अभी भी इस वीडियो के बारे में कुछ ओपिनियन होगा या आपका अपना सवाल होगा, नीचे कमेंट में जरूर करिएगा। हाँ, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।